तुम मैं वैष्णो देवी मंदिर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जाने के लिए सभी वैष्णो माता देवी के दर्शन कर पाएंगे। एक राइड ऊपर तक पत्थर गिरने की संभावना, कृपया इस तरह की सवारी कर सकते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए सुंदर मूर्ति है, पूरे लाल हो गए, छोटे किलोमीटर ऊपर है लगभग भैरवनाथ पर। सभी लोग आराम करें और लेके जाता है, छोड़ने आता है। हाथ पैर तो काम नहीं कर रहे हमारे के। और आ गए अभी भाई सब जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाके, बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ी। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी, वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और इस वक्त मैं वैष्णो देवी मंदिर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, मेरे पीछे वादियाँ वादियाँ दिख रही है आप सभी को। लगभग मेरा 12 घंटे का सफ़र था, कल मैं चला था 5:30 बजे से और अभी मैं उतरा हूँ लगभग 6:30-7 बज चुकी है अभी। और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, जगह नहीं मिली लेकिन काम चला लिया हमने। वैसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में भी। और यह है जम्मू कश्मीर की रेलवे स्टेशन, काफ़ी बड़ी और विशाल रेलवे स्टेशन है पहाड़ी की तरह। ज़्यादा भीड़ है अंदर जाने के लिए। अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। और अरुण भाई कैसा लग रहा है आपको जम्मू में आकर? भाई यहाँ तो अलग ही नज़ारा लग रहा है, अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं आसमान में 4-5 दूर दूर तक। काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है हमें, जिधर देखो उधर पहाड़ी पहाड़ी, हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर। जम्मू कश्मीर में आकर हमें एक बात पता चली कि इधर सिम नहीं चलती है, तो अभी हमें सिम लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारा काम चलेगा, वीडियो तभी अपलोड हो पाएगा। और उधर की अपने जो इंडिया में सिम है वो इंडिया ही है, ये भी जम्मू कश्मीर, लेकिन इधर सिम नहीं चलती अपने उधर की, तो सिम लेना पड़ेगा सबसे पहले हमें। सिम लेने गए थे लेकिन काफ़ी महंगी मिल रही, लगभग 550 रुपये एक सिम बता रहे हैं एक महीने के लिए। लेकिन हमें इतने दिन के लिए नहीं चाहिए, हमें 2-3 दिन के लिए चाहिए। और अभी हम जा रहे हैं चाय वाय नाश्ता करने, और घर वालों को तो बोल देंगे किसी से फ़ोन लगवा कर तो परेशान ना हो, क्योंकि अभी कॉल करके हमने घर पर बता दिया, 10 रुपये चार्ज लिया उन्होंने कॉल करने का। चाय नाश्ता कर लिया हमने, चाय 15 रुपये की दी उन्होंने लगभग। और अभी हम जा रहे हैं कार्ड लेने, कार्ड के बिना दर्शन नहीं होते। कार्ड आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा जहाँ से हम अभी आए। इतनी लंबी लाइन लग रही है कार्ड लेने के लिए, सभी लोग कार्ड लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ से हमें कार्ड मिल रहा है, वैसे अभी लगभग 1 से 1.5 घंटा में लाइन में लगने के बाद ये कार्ड मिला है, जिससे हम वैष्णो माता देवी के दर्शन कर पाएंगे। इसके बिना आप दर्शन नहीं कर पाओगे। जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है इसके भी उधर साइड में जाना पड़ेगा हमें, तब जाके हम वैष्णो देवी माता के दर्शन कर पाएंगे। जय माता दी का लेकर आप सभी को बांधना पड़ेगा, सभी लोग बांध रहे हैं मनोकामना पूरी करने के लिए। रास्ते में पड़ेगा आपको लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन है यहाँ से, जब जाके वहाँ पे आप कार्ड चेक करवाओगे उसके बाद अंदर जाना पड़ेगा। आ गए हम फिनिशिंग पॉइंट पर, यहीं से एंट्री होगी अब हमारी कार्ड दिखाकर। लेते हैं एक घोड़े का, कितना रुपये लगेगा एक का? एक राइड ऊपर तक, मंदिर तक? हाँ मंदिर तक 1250 रुपये। 1250 रुपये अरुण, 1250 रुपये बता रहे हो। और अभी करीबन 10 बज चुकी है, थोड़ी भूख भी लगने लग गई थी। अभी हम दर्शन करने जा रहे थे और काफ़ी टाइम लग जाता, हम शाम हो जाती हमें दर्शन करने में, तो हमने खाना ऑर्डर कर दिया। 100 रुपये की प्लेट है जिसमें धापपेट खाना मिलेगा आपको, चावल है, अचार है, 3 तरह की सब्जी है, काफ़ी बढ़िया खाना है 100 रुपये में धापपेट। मेरा खाना है जो अभी मैंने ऑर्डर करा है 100 रुपये में। बीच बीच में आपको काफ़ी दुकानें मिलेगी, ककड़ी फल फ्रूट की, ड्राई फ्रूट की, और मंदिरें मिलेंगे काफ़ी, सभी तरीके के सामान मिलेंगे और होटलें मिलेंगी खाना खाने के लिए बीच बीच में। इस तरह की सवारी कर सकते हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए ये सवारी। वैष्णो देवी टोटल यात्रा 18 किलोमीटर है, जिसमें से अगर आप ऑटो या टैक्सी लोगे तो वो आपको 4 किलोमीटर छोड़ेगी मात्र, उसमें भी आपसे 250 रुपये ले लेगी। अगर आप उससे आगे जाना चाहते हो तो आप घोड़े या पालकी की सवारी ले सकते हैं। पालकी की सवारी लगभग 7,500 है दोनों तरफ से, और घोड़े की सवारी है 1200 से 1500 रुपये। लेकिन आप अगर जवान और स्वस्थ हो तो घोड़े इनको परेशान मत कर, खुद ही चल सकते हो इतना माता जी के यहाँ आए हो तो। हम भी पैदल जा रहे हैं, लगभग मेरे बैग में 20 से 25 किलो वजन होगा, करीबन हम 14 से 15 किलोमीटर चढ़ चुके हैं, अभी 2-3 किलोमीटर और बाकी है तो चलते हैं। काफ़ी पास हेलीकॉप्टर उड़ रहा है यहीं पे, जो लोगों को नीचे से ऊपर छोड़ता है। वैष्णो देवी के पहाड़ी इलाके में हमें दिखे बर्फीले पहाड़, जो यहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन बर्फीले पहाड़ी लग रहा है हमें। ये काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखते हुए। वैष्णो देवी के रास्ते में जगह जगह जाली लगा दी गई है, ये इसलिए जाली लगाई गई है ताकि लोगों पे पत्थर गिरे ना और नुकसान ना हो लोगों को, चद्दर है तब भी पत्थर नीचे टपक जाते हैं। यहाँ पर एक नोटिस लिखा है, पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया ज़्यादा देर ना रुके, चलते बने। तो मैं पहाड़ों में भी पानी छो रहा है, यहाँ खतरा है पानी वाले इलाके में, जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ पर। कुछ ही देर में हम वैष्णो देवी पहुँचने वाले हैं, लगभग 500 मीटर दूर हो रहे। अभी वैष्णो देवी मंदिर आ चुका है सामने ही, अभी वहीं जा रहे हैं।
अभी यहाँ पे अंदर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे सब सामान जमा करवा रहे हैं। अंदर कुछ भी लेके नहीं जाना है, घड़ी तक नहीं लेके जाना है, ना चमड़े का सामान, कुछ भी नहीं लेके जाना अंदर। परफेक्ट व्यू आ रहा है यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर का, इधर दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ी है। वहाँ से हेलीकॉप्टर से आने का रास्ता है, जो वहाँ से नीचे आते हैं लोग। एक यहाँ पे काफ़ी सुंदर मूर्ति है। यहीं पे पास में एक भवन है जिसमें मैं बैठ गया हूँ। बैग रख दिया मैंने, और बैग रखने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया अरुण पहले तू दर्शन कर या फिर मैं चला जाऊँगा। 18 किलोमीटर चलने के बाद हालत इतनी ख़राब हो चुकी, क्योंकि बैग में हमारे काफ़ी ज़्यादा वजन था, लगभग 25 से 30 किलो वजन था। पैर में छाले पड़ गए, बिल्कुल पैर बिल्कुल लाल हो गए, छाले पड़ गए बड़े बड़े दोनों पैरों में, चलने की नहीं बन रही, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, पूरे पैर सूज गए। और अभी दर्शन हो चुके हैं, लगभग 4-5 जगह फ़ोन चेकिंग हुई थी, मैंने वीडियो तो बना ली थी, लेकिन आखिरी में जाके मेरा फ़ोन पकड़ा गया और सारी वीडियो डिलीट करवा दी एक पुलिस वाले ने। मैंने आपके लिए इतनी बड़ी रिक्स ली, फ़ोन भी नहीं दे रहा था, ज़बरदस्ती मैंने फ़ोन रिक्वेस्ट करी और फ़ोन दिया। अब तो बस वो पुरानी वीडियो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, बस एक ही वीडियो नहीं है जो अंदर वैष्णो माता की बनाई मैंने, वो डिलीट करवा दी। अब जा रहे हैं हम काल भैरव के दर्शन करने। अंदर की साइड गुफा थी, उसमें गए थे हम, थोड़ी दूर गए थे लगभग 40-50 मीटर। वो काफ़ी अच्छी जगह थी यार, कितना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर वीडियो डिलीट नहीं होती ना तो मैं आपको दिखाता कितनी प्यारी जगह थी वहाँ पे, वैष्णो माता जी के ऐसा लगता है साक्षात बैठी है वहाँ पे। और मेरे प्रसाद में अपने क्या मिला था, एक चांदी का सिक्का मिला है मैं प्रसाद में, और प्रसादी मिली है। और अभी हम जा रहे हैं भैरव घाटी मंदिर, इतनी ज़्यादा घाटी है क्या बताएं भाई साहब, जमीन से लगभग 18 किलोमीटर दूर इतने हमें पहाड़ दिखे, उसमें हमें बादल भी दिखने लग गए, इतनी ऊपर आ चुके हैं हम। वैष्णो देवी के काफ़ी ऊपर आ गए, अभी हम काल भैरव रास्ते पे जा रहे हैं, दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं, हमने कभी इतने लंबे और चौड़े पहाड़ नहीं देखे जम्मू में। जमीन से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर है काल भैरव के, यहाँ वैष्णो देवी से भी ऊपर है ये जगह, और काफ़ी परफेक्ट जगह है, आराम करते हैं सभी लोग, यहाँ पर आराम करने की व्यवस्था है। और इधर पहाड़ी इलाका और इधर फोटोशूट, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। और नीचे हेलीकॉप्टर है जहाँ पे, और यहीं पे मिला है हमें काफ़ी बड़ा और विशाल बंदर, काफ़ी समझदार है, कुछ भी नहीं करता ये। वैसे भैरव मंदिर पर काफ़ी बड़े बड़े बंदर हैं, और जिसके बाद में हमें इतनी लंबी लाइन तय करनी पड़ेगी, तब जाके हम भैरव जी के दर्शन कर पाएंगे, ऊपर मंदिर है उनका। उसने प्रसाद, बंदर ने अभी एक की प्रसाद छुड़ा ली, ओ गिरा दिया, बंदर ही बंदर फ़ोन नहीं छुड़ा ले बस, और ये सब हो जाओ। और फोटो खींचना वीडियो बनाना लाऊ नहीं, लेकिन बना रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे त्रिशूल रखे काफ़ी, भाई ने पूछ पकड़ ली, पकड़ 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 जल्दी जा बेटा, पूछ ऊपर कर दी उसने, लात ठोक देगा, लात मार देगा पीछे। और सुबह से दर्शन कर रहे थे, अभी हमारा जाने का समय हो गया, नीचे करीबन 4:30 बज चुकी है, और रात में ट्रेन है हमारी लगभग 9-10 बजे, कन्फर्म नहीं क्योंकि अभी नेट नहीं चल रहा है हमारा, तो पता नहीं है कुछ भी। अभी नीचे जा रहे हैं, किसी से वाईफाई लेंगे, क्योंकि सिम तो काफ़ी महंगी है, तो चलते हैं। लगभग अभी हमें 18 किलोमीटर चलना है, पैदल नीचे उतरना है, 18 चढ़े थे हम। और भाई साहब फिर से एक और हेलीकॉप्टर आ गया लेने, छोड़ने और लेके जाता है, छोड़ने आता है, इसी हेलीपैड पर जो मैंने आपको पहले दिखाया था। भाई साहब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, पैर काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और थक के ख़त्म हो गए बिल्कुल, अब नीचे उतरने की भी नहीं बन रहे, दम नहीं बची, पैरों में सूजन आ गई कर रहा है भाई। सभी लोग थक गए, अपन ही नहीं थके, अपन ने थोड़ी जल्दी करी ना इसलिए। तो अभी जा ही रहे हैं नीचे, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और काफ़ी बेस्ट अखरोट जो आपको केवल 120 रुपये मिलेंगे, वो भी वैष्णो देवी कटरा, और अंदर काफ़ी बड़ी दुकान है, यहाँ पे अधिकतर ड्राई फ्रूट मिलते हैं और काफ़ी सस्ते दाम में मिलते हैं। अभी अंदर थोड़ा सा दिखा दूँ मैं आपको, लेके चल। और ये वाले हैं जो कटे सेब सूखे वाले, और इधर है जो बादाम जो आपको लगभग 300 रुपये किलो मिलेगी, और अखरोट ही अखरोट है, ज़्यादातर अखरोट मिलते हैं इधर इधर के शहर में। अभी मैं हाथ में मेरे अखरोट, और जिसके बाद मैंने लिया है किशमिश का पैकेट एक। तो भाई साहब अभी आ गए हम रेलवे स्टेशन पे, हाथ पैर तो काम नहीं कर रहे हमारे क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है हमारी। भाई कैसा लग रहा है आपको? भाई बिल्कुल थक गया, थोड़ी जोर से बोलो। बिल्कुल थक गया, शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, ऐसा मन कर रहा है कि बिल्कुल सो जाओ मैं तो अभी यहीं पे। मन तो ऐसा कर रहा है कि भाई साहब यहीं जाके पड़ जाएं कहीं भी, क्योंकि पैरों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही, सूजन आ गई पैरों में चल चल के। 18 किलोमीटर एक साइड से और 36 किलोमीटर चले, और एक्स्ट्रा 4-5 किलोमीटर वो भी पहाड़ी पे, और ऊपर चढ़ान पे चढ़े, नहीं तो नॉर्मल चढ़ना तो आम बात है, और पहाड़ी पे भी बैग में 20-25 किलो वजन, इतना वजन ने तो जान निकाल दी। अभी देखते हैं ट्रेन मिल गई तो हम निकल जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पे सोएंगे। कितने की एक? 10 रुपये की चाय, लेकिन चाय नहीं हो तो क्या बोलते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, आपके भाई को सपोर्ट करते रहें, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।